Good afternoon students Today we continue lesson number 3 lesson name is computer lab manner And under this we discuss about do's and don't Yesterday we discuss about do's do's and don't Do's means the things we should do when we use the computer. While working on the computer, we remember what we do on the computer. Some, when we use the computer, some rules are followed. So, yesterday we discussed about do's. Now, today we discuss about don't.

तो हमें माइंड में रखना चाहिए कि हमें कंप्यूटर जब यूज़ करने के लिए साथ हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए अब फर्स्ट पॉइंट वी शुड नेवर स्विच ऑफ़ आवर कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली लाइक बाय प्रेसिंग द पावर बटन on the cpu or the main power supply button when we use the computer we never switch off the computer directly जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके अगर, उसमें हमें डायरेक्ट स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए

डायरेक्टली ऑफ़ कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है सो वी डोंट स्विच ऑफ द कंप्यूटर और पावर बटन ऑन द सीपीयू एंड पावर सप्लाई डायरेक्टली हमें कंप्यूटर को यूज़ करते समय हमें स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए डायरेक्टली ना ही पावर बटन सीपीयू का ऑफ़ करना चाहिए और ना ही पावर सप्लाई बटन हमें डायरेक्टली स्विच ऑफ़ करना चाहिए इससे हमारा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है लेट्स गो सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट इज वी शुड नेवर टच और प्ले विथ वायर्स ऑफ द कंप्यूटर हमें कंप्यूटर का computer वायर बट वायर्स टच नहीं करना चाहिए या उससे खेलना नहीं चाहिए अगर हम कंप्यूटर को टच करेंगे उसके स... वायर वायर को टच करेंगे और या वायर के साथ खेलेंगे तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है हमें करंट मार सकता है और हमारा सिस्टम भी ख़राब हो सकता है सो वी शुड नेवर टच हमें नेवर टच और प्ले विद द वायर ऑफ द कंप्यूटर कंप्यूटर का वायर हमें टच नहीं करना चाहिए थर्ड पॉइंट इज वी शुड नॉट टच द माउस एंड द कीबोर्ड विथ डर्टी हैंड्स वी कान टच द माउस और कीबोर्ड विद अवर डर्टी हैंड हमें माउस को या तो कीबोर्ड को गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए कीबोर्ड में हमारे स्मॉल स्मॉल बटन्स होते हैं इफ़ वी टच द की बोर्ड विद अवर डर्टी हैंड द कीज़ और डर्टी बिकम और डर्टी वो गंदे हो जाएंगे उसमें डस्ट पार्टिकल्स कीज में बैठ जाएंगी और माउस के बटन्स में भी हमारे बैठ जाएंगे डस्ट तो हमें गंदे हाथों से ना ही माउस को छूना चाहिए और ना ही कीबोर्ड को छूना चाहिए दिस मेक्स द माउस एंड द कीबोर्ड कीज़ डर्टी एंड स्टिकी इससे हमारे माउस और कीबोर्ड की कीज़ जो हैं वो गंदी हो जाएंगी और बहुत ही स्टिकी हो जाएंगी चिपचिपी हो जाएंगी सो व्हेन वी यूज़ द कंप्यूटर यू कान टच द माउस एंड कीबोर्ड विद आवर डर्टी हैंड बिकॉज़ इफ वी टच द कीबोर्ड एंड माउस इट बिकम्स डर्टी एंड स्टिकी आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ डोंट प्रेस द की टू हार्ड और इट विल डैमेज द कीज़ वेन वी यूज़ अ कंप्यूटर और वैन वी यूज़ अ कीबोर्ड वी डू नॉट प्रेस हार्ड वी डू नॉट प्रेस हार्डली बिकॉज अवर इन दमें कीबोर्ड की कीज़ को ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना चाहिए नहीं तो वो डैमेज हो जाएंगी ख़राब हो जाती हैं अवर नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड नॉट ईट वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। हम व्हेन वी यूज़ अ कंप्यूटर, वी कान ईट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमें कुछ खाना भी नहीं चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए वी शुड नाट ब्रिंग फूड एंड ड्रिंक्स नियर द कंप्यूटर हम लोगों को कंप्यूटर के पास ना ही खाना लेकर आना चाहिए और ना ही ड्रिंकिंग लाइक वाटर कोल्ड ड्रिंक नियर द कंप्यूटर इससे अगर ये गिर गया तो हमारा कंप्यूट कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा अवर नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड नेवर ब्रेक कंप्यूटर रूल्स एंड नेवर लेट अवर फ्रेंड्स ब्रेक द कंप्यूटर रूल्स ऑल्सो हमें कंप्यूटर रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए और ना ही हमारे फ्रेंड्स को कंप्यूटर के रूल्स को ब्रेक करना चाहिए व्हेन वी यूज़ अ कंप्यूटर वी फॉलो ऑल दीज रूल्स डूज एंड डोंट दैट्स ऑल फॉर today. नाउ योर होमवर्क इज़ लर्न एट least. फाइव पॉइंट्स ऑफ डोंट्स आपका होमवर्क ये है कि आपको फाइव पॉइंट्स डोंट्स के याद करने हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू